देखिए आज मैं आपको गिटार बजाना सिखाता हूँ। अच्छा, मुझे किसी ने गिटार सिखाया नहीं तो मैं बजा नहीं पाया, जैसे तैसे आ गया। थोड़ा डैमेज भी आप समझ सकते हैं, डैमेज है सब। अभी आज ही दिन भर परिश्रम कर उसको सही करा है, और ऐसा ही मान सकते हैं। नया खरीदने के लिए पैसे नहीं है, फिर वो की इच्छा नहीं है। अभी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर देखिए, आप सुनिए, आनंद लीजिए। मजा आया? ज्यादा नहीं आ पाएगा क्योंकि हम प्रोफेशनल तो हैं और विराज भी नहीं है। विराज होते तो थोड़ा आनंद और बढ़ जाता, वो सीखते हैं, वो सीख लेते हैं, मगर हमें तो ऐसा ही आता है। आपको आनंद आएगा, फिर से एक बार बजाता हूँ। अब अगर सही उम्र में मैंने सीख लिया होता तो फिर मैं गाने गाता। नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए, हमको तड़पाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए। अब वो उम्र तो निकल गई भाई, अब क्या बची है भाई? हाँ, वो विराज वाली उम्र बची है। अब बच्चों को सिखाना है अपन को, तो ये अपन थोड़ा रिपेयरिंग करके उसको साफ सूफ करके, देखिए कपड़ा साफ है सब, ऐसा उसके लिए साफ कर दिया अपन। अब भैया विराज बजाएंगे तो अब क्या खुश होगा? और मेरी नहीं, सबकी भावना ऐसी होती है इस उम्र में, माता पिता की, अपनी भी वैसी है। ठीक है, देखिए सर। अच्छा, अभी आपको बजा के भी इसीलिए बता रहे हैं कि विराज है नहीं। विराज होते तो वो तो खुद बजाते और कैमरा मेरे हाथ में होता, मैं आपको नजर नहीं आता, मैं तो पीछे रहता, पीछे पीछे बेचारा कैमरा मैन पीछे ही रहता, कभी आप उसको कोई दुनिया जानती नहीं। अपना भी हाल वही है, और जिन जिन के पीछे थे वो सब भूल गए। अब भगवान विराज ऐसा ना करे, बस इतना है, प्रार्थना है प्रभु। अच्छा, विराज करेंगे नहीं, उनसे भी ये सवाल करते हैं। विराज करेंगे नहीं बोलते हैं वो सब पूरी सब। आप फिर देखिए, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा कृपा बनाए रखें। आप सब लोगों का प्रेम बरकरार रहे, और इससे ज़्यादा चाहिए भी कुछ नहीं है। गिटार का क्या है, वो भी नए आएंगे, अगर इसे भी नहीं भूल पाएंगे। फर्स्ट गिटार है, थोड़ा डैमेज हो गया, उसको आज रिपेयर करा पूरा दिन लगा के, अब अच्छा बजने लगा, अब अच्छा बज रहा। देखिए आप सुनिए, ऐसा लगता है ना थोड़ा, ऐसा खड़े होकर यूँ बजा जाए। ऐसा मजा आता है, बच्चे बजाएंगे उनका जमाना, अपना तो गया, अपन भी बजाते यूं वाला, ऐसा है क्या मैं अच्छा लगूंगा क्या इसमें? नहीं ना, तो फिर विराज ही बजाएंगे, और जब भी बजाएंगे ठीक है। तो ऐसी इच्छा होती है, माता पिता है ओ टिंग रिंग 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 टिंग रिंग 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 रिंग। बस एक ही बात आपसे कहनी है, हम लोग कम नहीं थे, हमारी जनरेशन कम बिल्कुल ख़राब ही नहीं थी, हमें कोई सिखाने वाला नहीं था। हमारे पूर्वज थे, एक ही उल्टी सीधी बात सिखाते थे। कौन सी बात? खाओ पियो, मस्त रहो, कल किसने देखा है। मगर स्टूडेंट लाइफ एज ए टीचर, और मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, तो स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट सीखते हैं और उसकी कोई लिमिट नहीं होती, कितना भी सीख सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड सीख सकते हैं। तो वो ऐसे सीखेंगे, कुछ भी सीख सकते हैं। तो
बच्चों को सिखाइए, साथ में मजे लीजिए, अपने आप आते हैं मजे तो लेने नहीं पड़ते, और थोड़ा सा समय जरूर दीजिए। इसमें मुझे 3 दिन लगे इसको सुधारने में, और आप देखें मात्र 500 रुपये का गिटार बज रहा है आपके सामने। नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए हमको तड़पाए हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर आपने मेरी बकवास सुनी 6 मिनट पूरे, आपको भी धन्यवाद। मैं बकवास कम करता हूँ वो उसके लिए मैंने विराज को आगे कर देता वो आपको गुदगुदाता हंसाता थोड़े मजे कुछ इंस्पिरेशन कुछ सिखाता भी, क्योंकि देखिए जमाना उनको है और बच्चे सभी के हैं। अगर विराज को फॉलो भी कर लेंगे तो हमें सैकड़ों हजारों लाखों विराज मिल जाएंगे, हमें हमारे देश के लिए चाहिए भी वही है। एक विराज से 150 करोड़ के देश का कुछ होने वाला नहीं, हमारी कोशिशें भी यही होती हैं। और